भेल की भी तैयारी है बैन में आने की। आइए भेल के चार्ट पर एक बार जरा राय ले ली जाए, समझ लें कि वाकई में कुछ करने जैसा है मामला। सुमित जी चार्ट देखिए, अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो क्या किया जाए? अनिल जी एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 85-86 के पास, नीचे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में 80 रुपए से लेके 78 रुपए तक के लेवल भेल में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार एग्जिट करके बैठेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फ्रेश बाय ऊपर में 85-86 के बाद ही बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा साइडवेज में चला जाएगा भेल। ओके, तो ये आपके लिए BHEL भेल, जिस पर आप थोड़ी इस समय नरमी आते हुए देख भी रहे हैं। इनफैक्ट इसके बारे में क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। आइए एक बार वरुण है हमारे साथ तैयार, समझ भी लेते हैं कि आज के लिए जो ट्रिगर हुआ है, वैसे तो हमने नतीजों के बाद थोड़ा मूवमेंट देखा, आज के लिए जो ट्रिगर था वो क्या है, वरुण बताइए। तो आज का ट्रिगर दीप ये है कि नोमुरा ने यहाँ पे इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से अब रेड्यूस की सलाह दे रहे हैं, और प्राइस टारगेट जो है 79 से काट के सीधे 61 का किया, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 29-30% के आसपास का डाउनसाइड जो है वो भेल में देख रहे हैं। अब इसके कारण देखिए, समझिए आप, इनका कहना है कि थर्मल पावर सेक्टर जो है उसमें मजबूती और रिसीवेबल्स में रिकवरी के चलते पिछले एक साल में आपने देखा कि BHEL में करीब 65% के आसपास की रिकवरी जो है वो देखने मिली, 65% के आसपास की रैली देखने मिली। लेकिन क्या ये रैली जस्टिफाइड है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि थर्मल सेगमेंट जो है उसमें बड़े ऑर्डर्स मिलने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का प्रदर्शन जो है उस लेवल का नहीं था, खासकर कैश जनरेशन जो है उसमें धीमापन देखने मिला, और उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें देखने मिला, और आगे भी मार्जिन्स में जो है वो गिरावट का अनुमान ये लगा रहे हैं। जो कर्जदार है इस कंपनी के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है, और कैश फ्लो जो है इससे आगे चल के और प्रभावित हो सकता है, ये नमूरा का कहना है। ऑर्डर इनफ्लो जो है उसमें देरी हुई और कमज़ोर मार्जिन जो है उसके चलते कहीं ना कहीं एबिटा जो है उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए इन्होंने अपने जो एबिटा एस्टिमेट है FY 2024 से 2025 के लिए उसमें 13-4% के आसपास की कटौती की है। सिर्फ यही नहीं, इनका कहना है कि स्टॉक फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 14x EV बाय एबिटा FY 2025 का मैं बात कर रहा हूँ उस पर ट्रेड करता है, जबकि इनका मानना है कि इस स्टॉक को जिस तरह से इस कंपनी का ओवरऑल पैन आउट हो रहा है, ऑर्डर बुक हो, मार्जिनस हो, करीब 11x के आसपास ट्रेड करना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने अपना जो लक्ष्य है 79 से घटा के 61 का कर दिया। इनको स्पेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा L&T पसंद आता है, और भेल तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके लिए रेड्यूस की रेटिंग है 61 के प्राइस टारगेट के साथ, टारगेट काटे हैं 79 से 61। तो ये आपके लिए BHEL भेल। थोड़ा सा परफॉर्मेंस आई नहीं रही है इसकी तरफ से, बाकी कंपनीज देखिए जबरदस्त ऑर्डर बुक है, जबरदस्त एग्जीक्यूशन ट्रेंड है, इनकी भी ऑर्डर बुक शानदार है, थर्मल पावर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, नंबर्स क्यों नहीं आ रहे सर? फिर दीप ऐसे बताना तो बहुत कठिन होता है, मैं कोई कंपनी का CEO नहीं हूँ जो एग्जैक्टली बता पाऊँ, मगर कई बार मैं देखता हूँ कि सरकारी कंपनियों में इनएफिशिएंसीज होती हैं, जिन इनएफिशिएंसीज की वजह से आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखती है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे खर्चों की कटौती हो सकती है, सिस्टम एफिशिएंटली चलाया जाता है, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया जाता है, निकाला नहीं जाता, बहुत सारे पेंशन का और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं इंप्लॉयज़ के उसमें काफ़ी पैसा चला जाता है, तभी भेल जैसा स्टॉक 61 की PE पे चल रहा है, जिसके बाद इतना लैंड बैंक है, जिसके बाद इतना तगड़ा ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है प्राइमरली इनएफिशिएंसीज हैं BHEL में, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को नहीं मिलती। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसमें टॉप रंग में अगर कोई अच्छा एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर से व्यक्ति लाया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनीज जो सरकारी हैं उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है भेल जैसी कंपनी में, जो रेल के इंजन भी बनाती है, जो हैवी पावर इक्विपमेंट भी बनाती है, जो टर्बाइंस भी बनाती है, और बहुत बड़ा इसके पास लैंड बेस है, एसेट है, नाम है, ऑर्डर बुक है, और सबसे बड़ी बात पीछे सरकार है, तो कहीं पर ऑर्डर्स की कमी हो ये तो मुझे लगता नहीं। अगर आप क्वार्टरली सेल्स भी देखें तो 8200 करोड़ की मैं सेल्स देख पा रहा हूँ, ओवरऑल सेल्स इसकी करीब करीब 24000 करोड़ की है, उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं दिखती, अगर 1.3 के EPS पे ये ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है सिस्टम में, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट्स नहीं दिख पा रहे, और मैं आशा करता हूँ कि सरकारी कंपनीज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं अगर उनको उनकी मैनेजमेंट ठीक हो। हमने सेल में एक टर्नअराउंड जरूर देखा जब से एक नई जो लेडी आई थी, मैम फॉरगेटिंग हर नेम, तो उसके बाद सेल में एक टर्नअराउंड जरूर देखा हमने, तो इसी प्रकार से मुझे लगता है एफिशिएंट मैनेजमेंट लाने से बहुत फर्क पड़ता है, और भेल भी टर्नअराउंड कैंडिडेट है सरकार के लिए।
चलिए तो भेल और कल जो बात हो रही थी अनिल जी, इसका भाई सेल, दोनों पर आप रखिए नजर, चोपड़ा साहब सेल पर बात करते हुए।